नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शाह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में सेविंग्स का अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, POSA अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट या फिर माइनर अकाउंट जो ऑपरेटेड बाय सेल्फ और ऑपरेटेड बाय गार्डियन होता है, तो उनके बारे में भी बताएंगे कैसे उनको ओपन करते हैं, क्या स्कीम कोड वहाँ पे लेनी पड़ेगी और कौन सा SB जनरल या SB चेक अकाउंट आपको ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग जो है पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मेन्यू शॉर्टकट में CASBAO ये मेन्यू टाइप करना पड़ेगा। CASBAO ये मेन्यू टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है, नहीं तो गो पे क्लिक करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन सेलेक्ट रहेगा। स्कीम कोड में आपको वहाँ के सर्चर पे जाके सर्च कर लेना है, वहाँ से आपको SB जनरल, SB चेक, ठीक है, तो SB पेंशन अकाउंट, ये सारे स्कीम्स वहाँ पे दिखेंगी। तो आपको जो अकाउंट ओपन करना है वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो SB जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और CIF नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों गो पे क्लिक करना है। रिस्क कैटेगरी के लिए बोलेगा, पहले रिस्क कैटेगरी चेक कर लेनी है, हाई, लो या फिर मीडियम, उसके बाद ओके कर देना है। तो अकाउंट होल्डर का नाम वहाँ पे दिखाएगा, आपको सीधे मोड ऑफ ऑपरेशन में आ जाना है। मोड ऑफ ऑपरेशन के सर्चर पे आपको दिखेंगे सेल्फ, जॉइंट ए, जॉइंट बी। तो जॉइंट ए जो होता है वो उसमें जो अगर दो बंदे ज्वाइंट करेंगे तो दोनों को आके ट्रांजेक्शन करनी पड़ेंगी, अकाउंट क्लोज या फिर विड्रॉल जो भी हैं। जॉइंट भी आइदर और सर्वाइवर होता है, उसमें कोई भी एक आके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और 019 रहेगा माइनर अकाउंट ऑपरेटेड बाय गार्डियन, और 018 जो होता है माइनर अकाउंट ऑपरेटेड बाय सेल्फ, जो कि 10 साल की एज से लेकर 18 साल की एज के बीच में रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 017 जॉइंट बी ले लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अकाउंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड में यस रहेगा और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में 1 आएगा, वो आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में नीचे दोस्तों डॉक्यूमेंट डिटेल्स में चले जाना है। आप में डॉक्यूमेंट डिटेल्स के सर्चर पे आपको जाके डॉक्यूमेंट कोड में 016 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ये सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप इसको एंटर भी कर सकते हैं मैनुअली। यहाँ से टैब प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट डेट वहाँ पे आ जाएगी। स्कैन डिटेल्स में आप स्कैन नॉट रिक्वायर्ड और डॉक्यूमेंट सबमिटेड में एस करके डॉक्यूमेंट सबमिटेड करके वहाँ पे डाल देंगे डॉक्यूमेंट स्टेटस में। उसके बाद दोस्तों नीचे रिलेटेड पार्टी की डिटेल्स आएंगी, जिसमें आपको सिंगल, जॉइंट, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जॉइंट अकाउंट आपको तब सिलेक्ट करना है जब आप जॉइंट ए, जॉइंट बी आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर। ऑथराइज सिग्नेटरी आपको तब सेलेक्ट कर लेना है जब आप माइनर अकाउंट करेंगे, आइदर ऑपरेटेड बाय गार्डियन और ऑपरेटेड सेल्फ, तो आपको जॉइंट की जगह ऑथराइज सिग्नेटरी वहाँ पे लेना है। अभी हम लोग जॉइंट बी मोड ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जॉइंट होल्डर सेलेक्ट करेंगे। CIF ID टाइप करने के बाद में उसकी बाद में टैप प्रेस करेंगे, डिटेल्स आ जाएंगी। रिलेशनशिप कोड के सर्चर पे जाके सेलेक्ट कर लेना है आपको, वहाँ से उसका जो रिलेशन है हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर जो भी है वो वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे नॉमिनेशन का डिटेल्स आएंगी, नॉमिनेशन आपको वहाँ पे डाल देना है। नॉमिनेशन पे यस करना है। अगर नॉमिनी की आईडी आपके पास है CIF, तो CIF ID में उसकी आईडी टाइप करके टैप प्रेस करेंगे तो सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगी। बाद में आपको सिर्फ रिलेशनशिप में उसका डिटेल्स डालनी पड़ेगी और परसेंटेज डालनी पड़ेगी। अभी मैनुअली आपको उसका नाम और एड्रेस वहाँ पे सब टाइप करना पड़ेगा। तो नॉमिनी का नाम और एड्रेस टाइप कर देंगे, कंट्री इंडिया, IN, परसेंटेज अगर एक नॉमिनी है, दो नॉमिनी, जो उसने अकाउंट होल्डर ने आपको स्पेसिफाई किया होगा उसके हिसाब से डाल देंगे। अभी दो नॉमिनी डालने हैं तो यहाँ पे परसेंटेज 50%। रिलेशन कोड वैसे ही जॉइंट होल्डर की तरह आपको सर्चर से जाके सेलेक्ट कर लेना है। अगर नॉमिनी माइनर है तो आपको नॉमिनी माइनर यस करना पड़ेगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर डालनी पड़ेगी। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में नीचे नेचर ऑफ एंटाइटल में आपको ओनर या ट्रस्टी लेना पड़ेगा, और उसके बाद माइनर के केस में आपको गार्डियन का नाम और उसका एड्रेस डालना पड़ेगा दोस्तों। और नीचे एड्रेस में उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो डाल दें, और पोस्टल कोड के साथ में कंट्री इंडिया वो सब सेलेक्ट करना पड़ेगा।
पोस्टल कोड डालने के बाद में दोस्तों अपने आप ही स्टेट हाईलाइट हो जाएगा, सिटी और स्टेट अपने आप ही फैच हो जाएंगे, आपको सिर्फ कंट्री वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो चलिए एड्रेस टाइप कर लेते हैं पहले। अभी यहाँ पे कंट्री मैनुअली आई एन टाइप कर देंगे। परसेंटेज 50 थी तो इसलिए नॉमिनी 2 की डिटेल्स यहाँ पे अपने आप हाईलाइट हो जाएंगी। तो सेकंड नॉमिनी का आपको नाम डाल देना है और उसका एड्रेस वहाँ से डाल देना है, जो भी उसका एड्रेस है वो टाइप कर लेना है, उसने लिख के दिया होगा वहाँ से। बाद में रिलेशनशिप उसके साथ में सर्चर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोड याद है तो डायरेक्ट कोड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसकी परसेंटेज वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और एड्रेस उसका पिन कोड के साथ में डाल देंगे। वो भी नॉमिनी अगर माइनर है तो उस केस में भी माइनर पे यस रहेगा और डेट ऑफ बर्थ माइनर की डाल देनी है। नेचर ऑफ एंटाइटल में आपको ओनर या फिर ट्रस्टी, और गार्डियन की फिर से डिटेल्स डालेंगे। गार्डियन कोड में दोस्तों वो फादर मदर जो भी है वो वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई रिलेशन नहीं है वैसा स्पेसिफाई तो अदर्स वहाँ पे डाल देंगे। गार्डियन डिटेल्स में भी एड्रेस टाइप करने के बाद में पोस्टल कोड वहाँ पे डालेंगे, पिन कोड और कंट्री IN। अगर तीसरा नॉमिनी भी होता तो परसेंटेज दोस्तों उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ती थी, 33, 33, 34 या फिर जो उसने लिख के दिया है आपको 25 लिख के दिया है, 25, 25, 50। सब डिटेल्स दोबारा से चेक करेंगे, सब सही होने पर सबमिट के बटन पे दोस्तों क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद में अकाउंट ID दोस्तों जनरेट हो जाएगी। अकाउंट ID जनरेट होने के बाद में उसको SB103 जो PIN स्लिप है उस पर नोट करके लिख लेना है, और बाद में डॉक्यूमेंट्स को जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको हैंड ओवर कर देना है सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र CASBAV मेन्यू में उसको वेरीफाई कर देगा। वेरीफिकेशन के बाद में आपको उसमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी। पोस्टिंग दोस्तों मिनिमम अमाउंट 500 है, वो 500 रुपीज़ आप CTM में जाके ऐड और डिपॉजिट फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों वो अकाउंट जो है वो फंडिंग होने के बाद में अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।